मौसम के साथ लोकसभा चुनाव का तापमान तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनावी हवा को अपनी ओर करने के लिए सभी राजनीतिक दल तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में 11 अप्रैल को चुनाव होना है। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल लोकसभा सीट को सबसे ज़्यादा हॉट माना जा रहा है। नैनीताल से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट पर दाव किया है। आज हमारे साथ हल्द्वानी की कृष्ण विहार कॉलोनी की कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। मैम, आज अभी 11 तारीख को मतदान होने वाला है, तो आप किन मुद्दे कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनको देखते हुए आप मतदान करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में, हमारे इस उत्तराखंड में बहुत बढ़ गई है। हमारे बच्चे पलायन हो रहे हैं सब पहाड़ों से, तो मैं सबसे पहले कहूँगी ये मुद्दा सबसे ऊपर रखना चाहिए। मैम, कितने टाइम से हम बात करते हैं कि पलायन, और हम सभी बात करते हैं और हम सब खुद ही पलायन के जिम्मेदार भी हैं, तो आप किस तरह से आप देखते हैं कि कैसे कुछ किया जाए, सरकार करे, हम इनिशिएटिव ले कि ये हम तो अपनी ओर से कोशिश करते ही हैं, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि ऐसा हम प्रतिनिधि चुने, हम पार्टी ना कोई, हमारा कोई वो नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कैंडिडेट कैसा है, मतलब मैं ऐसा कैंडिडेट चाहिए तो हमारी समस्याओं को सुने और आगे जाके कहें। तिवारी, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देशों में गिना जाता है, और हमें गर्व है कि हम उस देश के नागरिक हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज एक विभिन्न चुनावी माहौल में, जैसा आज है, लेकिन विभिन्न बड़े बड़े जो दल हैं उनमें जो अहम मुद्दे हैं जनता से संबंधित, वो सब गायब हैं। जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा युवकों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे इस विगत 5 वर्ष में जो ये सरकार आई, जो नई वर्तमान सरकार है, इसने सालाना 200 करोड़ के रोजगार देने का वादा किया था नवयुवकों। इस हिसाब से 200 करोड़ का तो 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन ये सब हवाई दावा साबित हुआ है। और हमारे जो वो हैं नवयुवक हैं, ये पढ़ लिख करके मानसिक अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं और रोजगार न होने से और आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ये सबको मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि इन सबको, इन सब की समस्याओं को समझने वाला जो प्रत्याशी है हमारा, आप विभिन्न बड़े बड़े दलों के प्रपंचों को, छलावा को देख करके वोट ना दें। आप किसी धर्म जाति के आधार पर वोट ना दें और अपने मतदान का अधिकार, मतदान का प्रयोग करें। अपना मतदान जरूर दें, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को दें, ऐसे कैंडिडेट को दें, उसका घोषणा पत्र पढ़ें जो हमारी जो जन समस्याएँ जो हैं उससे संबंधित हैं, उनके बारे में वो लड़ता है और उसको क्या कहते हैं निभाने की क्षमता रखता है। मैम, महिला सुरक्षा की बात हर कोई करता है, आए दिन हम बात करते हैं, लेकिन जो बढ़ते अपराध हैं तो उनके ऊपर कोई काम हो नहीं रहा है। हम बात तो कर रहे हैं कि ये है वो है, पर अभी भी अभिभावक डरा हुआ है। 8 बजे बाद आप देखेंगे कि लड़कियों को बाहर जाने में रोकते हैं कि अभी कुछ कोई नकारात्मक घटना ना हो। इस बारे में हमारी सरकार को जो है सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। सरकार भी ऐसा नेता ऐसा हो जो पढ़ा लिखा योग्य हो और इन सब समस्याओं को अच्छे से समझे। हमारे कैंडिडेट जो आते हैं सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल तक दोबारा आते नहीं है, तो वो हमारी समस्याओं को समझेंगे कैसे? वही चीजें हैं कि जैसे लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें अधिकतर जो सीटें हैं गांव में, लेकिन गांव से ही नजारा रहते हैं हमारे, क्योंकि गांव में सुविधाएं नहीं, मूलभूत वहां सड़क नहीं जाती, पैदल सांसद हमारे जाएंगे नहीं, तो इसलिए कि वहां वो जाते नहीं, कोई समस्याएं सुनते नहीं है वहां की। एक बार वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक अपनी शक्ल दिखाते नहीं है, तो इस सब समस्याओं पर सोचना चाहिए उनको। पढ़ा लिखा हो, दोबारा आए, हमारी समस्याएं सुने कि क्या समस्या है, तब तो हम वोट भी दें उनको। इसलिए लोगों का रुझान भी कम होता जाता है वोटिंग से, इसलिए लोग वोट देने भी कम जाते हैं, गिरता है, तो इसलिए नेताओं को जो है बड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, आना चाहिए, समस्याएं सुने, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, इस तरह की वो करें, तो इसलिए तभी आगे को महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें सारे मुद्दे। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं किन मुद्दों को चाहती हैं कि इन चुनाव में उठाया जाए। मैम, मुद्दों की बात हर कोई करता है, हर बार चुनाव आता है और हर बार चुनाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर खाली बातें की जाती हैं, कुछ अमल किया नहीं जाता। वैसे तो मेन मुद्दा आज की डेट में बेरोजगारी है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हमारे गांव का पलायन रुकना चाहिए। वहाँ से जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, स्टडीज फैसिलिटीज है, सड़कें नहीं है, लाइटें नहीं है, तो वहाँ जानी चाहिए वहाँ। तो ये क्या हुआ कि हमारा देश का रुकेगा, चाहे उद्योग खोल के उनको रुके, चाहे माता को नौकरी देकर रुके, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारी सरकार करेंगे। मैम, इस बार जो आप लोग मतदान करेंगे, क्या वो एक पार्टी को देख के करेंगे या एक व्यक्ति विशेष को देख के करेंगे? जी बिल्कुल, व्यक्ति विशेष को देख के करेंगे। जिनका काम अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, इसकी सोच अच्छी होगी, तो हम उसको जरूर आगे लाने की सोचेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगी
जो सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे सरकार ने आज एक आयुष्मान योजना जो चलाई है, लेकिन वो योजना के बारे में आपको पता है, आप लोग जानते हैं जो उस योजना के अंदर का जो कार्ड हेल्थ कार्ड बना है उसके अंदर जो पैनल में जो हॉस्पिटल है, अगर हम उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं उसके वहाँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये जनता से सीधा छलावा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे मतलब ऐसी सरकार ना आए और ऐसे लोग आए जो मतलब कि हमारी समस्या को समझे, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं हमें दें और जिससे हमें इन समस्याओं का सामना करना न पड़े।